वचन सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु की दयालुता अपनी प्रजा को सदा के लिए भटकने नहीं देगी। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यह सांत्वना भरा आश्वासन है। रोटी और जल जैसी आवश्यक साधनों की कमी खटकेगी और जीवन को कष्टमय बना सकती है, पर ऐसी कमी सदा नहीं रहेगी। ईश्वर भले ही कुछ समय के लिए अपनी प्रजा को कष्टमय जीवन से गुजरने देंगे, पर उसे निस्सहाय नहीं छोड़ेंगे। कष्ट भरी दुहाई प्रभु के पास पहुंचती है और प्रभु लोगों को रास्ता दिखाते हैं। हमें भी जीवन की मुसीबतों को धैर्यपूर्वक और ईश्वर पर पूर्ण आस्था के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता है, तभी जीवन का रास्ता खुलता है। यीशु थके मांदे लोगों पर तरस खाते हैं। वे यह भी जानते हैं कि ऐसे लोग ईश्वर के राज्य में सहज ही प्रवेश कर सकते हैं। स्वयं यीशु ने जगह जगह भ्रमण करते हुए सुसमाचार का प्रचार किया, रोगियों को चंगा किया, साथ ही अपने 12 शिष्यों को भी अधिकार और शक्ति दी ताकि वे अपदूतों को निकाल सकें, रोगियों को चंगा कर सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इस प्रकार से यीशु ने और शिष्यों ने भी घोषित किया कि स्वर्ग का राज्य आ गया है। यह कार्य समाप्त नहीं हुआ है, अनेकों मजदूरों की आवश्यकता है। मजदूरों की कमी पूरी करने के लिए क्या हम तैयार हैं?